हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे किचन में। आज मैं आपके साथ वेज कटलेट की एक रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो मेरे वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, साथ में मेरे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को भी क्लिक कीजिए ताकि मेरी न्यू वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। आज जो रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ ये रेसिपी बहुत ही हेल्दी है और बहुत ही टेस्टी है साथ में, और मैं ये ग्रीन वेजिटेबल से बनाने वाली हूँ। तो आप जो भी सब्जियां पसंद करते हैं उस सब्जी से ये रेसिपी बना सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं कि मैंने वेज कटलेट बनाने के लिए कौन कौन सी सामग्री का यूज किया है। वेजिटेबल कटलेट बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 1.5 कप के करीब मटर लिए हैं, 1 कप गाजर ली है, 1.5 कप गोभी है और 1.5 कप के करीब ही आलू लिए हैं, और सबको मैंने धो के अच्छे से साफ कर लिया है। और आप अगर अपनी पसंद की कोई सब्जी ऐड करना चाहते हैं तो आप ऐड कर सकते हैं। तो इन्हें सभी को हमें कुकर में डाल देना है और इसमें मैं 1/3 कप के करीब पानी डाल रही हूँ। ढक्कन लगाकर मीडियम फ्लेम पर इसमें हमें 2 सीटी लगानी है, तो मैं ढक्कन लगाकर इसे गैस पर चढ़ा देती हूँ और जब कुकर का प्रेशर अपने आप निकल जाए तो हमें ढक्कन खोल देना है। 2 सीटी लग चुकी है और जब कुकर से प्रेशर अपने आप निकल गया तो मैंने ढक्कन खोल लिया है। यहाँ पर मैंने एक गहरा बर्तन लिया है और साथ में एक छलनी ली है और सब्जियों को इसमें निकाल लेंगे ताकि पानी अलग हो जाए सब्जियों से। तो सभी को इसी तरह से निकाल लेना है। यहाँ पर मैंने सब्जी को निकाल लिया है और 5 मिनट तक हमें ऐसे ही छोड़ देना है ताकि सारा पानी अच्छे से निकल जाए। सब्जी हमारी ठंडी हो चुकी है तो मैं इसको इसमें निकाल लेती हूँ बर्तन में। अगर आपके पास मैशर है तो आप मैशर से मैश कर लीजिए। मैं यहाँ ग्लास से मैश कर देती हूँ, इस तरह से दबा के इसको। सारी सब्जियां मैश हो चुकी हैं, इसमें अब हम मसाले मिला लेते हैं। तो यहां पर मैं 1 चम्मच जीरा पाउडर डाल रही हूँ, 1/3 चम्मच के करीब मैं यहाँ पे चाट मसाला डाल रही हूँ, लाल मिर्च का पाउडर डाल रही हूँ, तो आप स्वाद के अनुसार ले सकते हैं, नमक स्वाद के अनुसार डालना है। तो यहाँ पे नमक डाल दिया मैंने और 1/4 चम्मच के करीब मैं यहाँ पर गरम मसाला डाल रही हूँ, तो मैं यहाँ गरम मसाला डाल देती हूँ। यहाँ पर मैंने धनिया लिया है तो मैं धनिया डाल रही हूँ, 1/2 चम्मच कद्दूकस किया हुआ अदरक है, हरी मिर्च है जिसको मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में कर लिया है, तो ये भी आप अपने स्वाद के अनुसार ही ले सकते हैं। और यहाँ पर मैंने 1 बड़ा प्याज लिया है जिसे मैंने बहुत ही बारीक काट लिया है, तो इसे डाल देती हूँ मैं। और इन सभी चीजों को अच्छे से मैश कर लेते हैं, तो मिला लेती हूँ सभी चीजों को मैं। तो मैं इसे हाथ से मिलाती हूँ क्योंकि ये ऐसे नहीं मिल ठीक से अच्छे से मिक्स नहीं हो पाएगा, तो मैं इसे हाथ से मिला लेती हूँ। इस तरह तरीके से हमें हाथ से मिला लेना है। आप इसमें कोई भी सब्जी ऐड कर सकते हैं, जो भी आपके पसंद की सब्जियां हो। तो ये देखिए मैंने सभी चीजों को मिक्स कर लिया है। ये टेस्टी होने के साथ साथ हेल्दी भी है। तो ये देखिए मिक्स हो गया है, ये मिक्सचर थोड़ा सा स्टिकी हो गया है तो ये चिपक रहा है, तो मैं इसमें ब्रेड क्रम्स डालती हूँ। तो इसमें मैं थोड़े से ब्रेड क्रम्स डाल दे रही हूँ। और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो 1 कप के करीब मैंने इसमें ब्रेड क्रम्स डाले हैं, तो आप जब भी बनाएं तो ब्रेड क्रम्स जरूर डालें, इससे बहुत ही अच्छे बनेंगे ये कटलेट्स। अब देखिए बहुत ही अच्छे हो गए हैं, ये चिपक नहीं रहे हैं मेरे हाथों में। ये देखिए तैयार हो गया हमारा कटलेट का मिक्सचर। अब हम स्लरी बना लेते हैं, घोल बना लेते हैं। सारी चीजें अच्छे से मिक्स हो गई हैं, इसको साइड में रख देते हैं। घोल बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर लिए हैं
और 2 चम्मच ही मैदा लिया है, थोड़ा सा लाल मिर्च का पाउडर और थोड़ा सा ही नमक लिया है, और इसमें मैं पानी डाल रही हूँ, थोड़ा सा पानी डालना है, पतला सा घोल बनाना है हमें, तो इसे मिक्स कर लेती हूँ अच्छे से। थोड़ा सा और डाल रही हूँ पानी, आधा कप से थोड़ा ज्यादा पानी लगा है मुझे, 1/3 कप के करीब घोल बनाने में। तो ये घोल भी तैयार हो गया है। यहाँ पर मैंने थोड़े से सोया ग्रेनुअल्स लिए हैं। ये जो मिक्सचर लिया है इसका हमें शेप तैयार करना है, तो एक मैं शेप बना लेती हूँ गोल सा, तो इस तरह का, तो सभी का इसी तरह से शेप बना लेते हैं। कैसा भी शेप देके आप इस तरह का बना लीजिए। ये देखिए मैंने सारे कटलेट तैयार कर लिए हैं, तो आपको जैसे भी शेप देने हैं वैसे तैयार कर लीजिए। और ये जो हमने स्लरी बनाया है इसमें इसे डीप करना है, हमें एक एक ये उठाना है और इसमें डिप करना है। और डिप करने से पहले हमें गैस पर कढ़ाई चढ़ा देनी है रिफाइंड ऑयल डाल के, क्योंकि हमें डीप फ्राई करना है, तो उसमें रिफाइंड ऑयल डाल देंगे हम। यहाँ मैंने मीडियम फ्लेम पर कढ़ाई चढ़ा दी है, इस तरीके से इसे डीप कर लेना है और फिर इसे निकाल लेंगे हम। तो मैं इसे निकाल के, ये जो हमने ये ब्रेड ये लिए हैं सोया ग्रेनुअल्स, इसके ऊपर रख लेना है, 3-4 इसी तरह से कर लेने हैं। अब सोया ग्रेनुअल अच्छे से ऊपर से एक कोटिंग कर देनी है इसकी। अच्छे से इसकी कोटिंग करनी है इस तरह से, चारों तरफ से कोट हो जाएगी। और सभी को इसी तरह से कर लेना है। और हमारा जो हमने कढ़ाई चढ़ा के रखी थी वो भी गर्म हो चुका है ऑयल उसका, तो इसको डीप फ्राई कर लेते हैं। अच्छे से चारों तरफ से इसकी कोटिंग कर देंगे। ये देखिए मैंने कोटिंग कर दी है, ये हमारे कटलेट डीप फ्राई होने के लिए बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। तो मैं इसे डीप फ्राई कर लेती हूँ, और डीप फ्राई करते समय इसे हम हल्का सा झाड़ लेंगे। तेल गर्म हो चुका है, तो ये जो हमने तैयार किया है कटलेट ये इसमें डाल देंगे और इसे झाड़ कर डालेंगे। मैं इसको बिल्कुल पूरी तरह से झाड़ लेती हूँ। फ्लेम को मीडियम रखना है। बहुत आराम से इसे डीप फ्राई करना है, और जब ये एक तरफ से हल्के से लाइट ब्राउन हो जाए तो हमें इसे पलट देना है। तुरंत बहुत ही कम टाइम लगता है इसे डीप फ्राई होने में। अब पलट लेते हैं, तो ये एक तरफ से सिक चुका है, तो मैं इसे पलट देती हूँ। ये देखिए कलर अच्छा आ गया इस पे, तो सभी को मैं इसी तरह से पलट दूंगी। ये देखिए ये भी सिक चुका है। सभी कटलेट को हमें इसी तरह से सोया ग्रेनुल्स में रैप करके डीप फ्राई कर लेना है। देखिए बहुत अच्छा से डीप फ्राई हो चुका है, तो मैं इसे अब निकाल लेती हूँ। ये देखिए मैंने डीप फ्राई कर लिए हैं और ये कटलेट तैयार हो गए हैं। सभी को मैं इसी तरह से कर लेती हूँ। सभी कटलेट तैयार हो चुके हैं, और बाकी जो बचे हैं उसे भी इसी तरह से आप डीप फ्राई कर लीजिए। लीजिए फ्रेंड्स, हमारे वेज कटलेट तैयार हो चुके हैं, तो आप इसे घर पर जरूर ट्राई कीजिए, और अच्छा लगने पर फैमिली और फ्रेंड्स में भी शेयर कीजिए। इसे बनाने में बिल्कुल भी ज्यादा टाइम नहीं लगता। अभी क्रिसमस आ रहा है, न्यू ईयर आ रहा है, तो आप दोनों पे बनाइए इसे, सभी को बहुत ही पसंद आएगा। तो मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ नए एपिसोड में। धन्यवाद।